अभी आपके एग्जाम हो चुके हैं, अब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं, तो 10th क्लास में और आपकी ऑनलाइन क्लास होगी जब तक कोविड की वजह से स्कूल में फैसिलिटी नहीं है। तो केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको, हम आज आपको वो बता दे रहे हैं। तो केमिस्ट्री में केवल आपके 5 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे फिजिकल चेंज होते हैं, कैसे केमिकल चेंज होते हैं, जो केमिकल चेंज होते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन अकर होती है, तो वो रिएक्शन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज थोड़ा सा हम बता देते हैं। फिजिकल चेंज क्या है, जैसे एक मार्कर लिया गया, इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या है, जैसे कि हमने फूड को लिया, फूड को खाया, तो क्या हुआ, उससे हमें एनर्जी मिली, तो ये एनर्जी हमें कैसे मिली, ये हमारा केमिकल चेंज है। जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज किसी ना किसी प्रोसेस की वजह से होता है, प्रोसेस में कोई कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, तो उस रिएक्शन और इक्वेशन को हमें डिटेल में पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में पढ़ना है एसिड्स क्या होते हैं, एसिड के बारे में पढ़ना है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के बारे में पढ़ना है, और साल्ट्स के बारे में पढ़ना है। एसिड जैसे कि जो भी सॉल्ट टेस्ट होते हैं, जैसे कि लेमन वगैरह हो गया, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो जो सॉल्ट टेस्ट हो गया वो एसिड हो गया, जो बिटर हो गया तीखा हो गया वो बेस हो गया, और इसी तरह से साल्ट जो दोनों से मिल के बने वो साल्ट हो रहा है, जो हम घर में यूज करते हैं दैट इज ए साल्ट, जो दैट इज हमारा सोडियम क्लोराइड उसको बोलते हैं साल्ट। तो इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब कौन कौन से मेटल होते हैं वो बताने हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं वो बताने हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी वगैरह होती है। सो मेटल्स पढ़ना है और हमें नॉन मेटल्स पढ़ना है। तो मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बता दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा है, सपोज दैट हमको इसको बारे में डिफरेंशिएट करना है, ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो जो मेटल होता है जनरली उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, तो ये मार्कर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी इसलिए नॉन मेटल कैटेगरी में आएगा। ये तो हमने जनरल देखा, जैसे कि आयरन का, आयरन की रॉड लेंगे उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेटल दिया गया है, नॉन मेटल दिया गया है, तो उसमें हम इसको मतलब थ्योरी में किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो हम समझेंगे। इस चैप्टर में ये पढ़ना है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर किस लिए है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो मेनली जो है फोकस है वो कार्बन पे है, और कार्बन की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इसीलिए ये हमारा बेसिक केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि हमने आलू वगैरह खाते हैं उसमें भी कार्बन होता है, स्टार्च वगैरह होता है, तो वो बेसिक नीड हमारा ये यहाँ से पता चलेगा कि किसमें किसमें कार्बन होता है, और कार्बन हमारे लिए हाइड्रोकार्बन वगैरह कार्बन सब और मिल गया तो हमारे लिए कितने यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या पढ़ना है, जो आज तक कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए हैं उसको किस तरह से स्टडी की जाए। ये नहीं जैसे कि क्लास 200 सपोज दैट 100 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए तो उसकी एक एक एलिमेंट की डिस्कवर करें, भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, और इसका रेडियस इतनी है, तो वो स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग को एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा। इस चैप्टर में हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलेगा जिससे एलिमेंट की स्टडी ईजी हो जाएगी। तो ये हमें 5 चैप्टर केवल ये पढ़ने हैं। तो इस ईयर कोरोना की वजह से क्या हो गया, कुछ कुछ इसमें टॉपिक कम हो गए हैं, 2020 2021, लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अगर डिक्रीज भी हो जाएगा तो आपको लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगा तो आपके लिए, अगर मैं कम पढ़ा दूंगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो केवल आज मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया, तो नेक्स्ट डे मैं आपको फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करूँगा।